ये वाक़िया हज़रत क़िबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी अलैहि रहमा ने सुना है। फरमाते हैं कि एक मरतबा में मदीने शरीफ गया, वहाँ ये जो तौसी है, तौसी उस वक्त नहीं थी। अभी भी मदीने शरीफ आप जाएं तो बिल्लियाँ आपको नज़र आएंगी, सहने हरम में घूमती हुई नज़र आती, लेकिन उस वक्त जो है वो सगाने मदीना भी, मदीने के कुत्ते भी नज़र आते थे और लोग उनको रोटियाँ डाल देते, मोहब्बत से चीज़ें डाल देते थे, वो उसे खा लेते थे। पीर साईं फरमाते हैं कि मुझे बताया गया कि एक शख्स है, दो दिन से ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, रो रहा है, सारो कतार रो रहा है, अजीब हालत हो गई इसकी। पीसा फरमा, मैं उसके करीब गया तो मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? उसने जब मुझे नीचे से ऊपर तक देखा तो मेरे से चिमट गया और धाड़े मार मार के रोने लगा। उसे काफ़ी तसल्ली दी, पूछा हुआ क्या, क्या हुआ है? कहने लगा, साईं क्या बताऊँ, बस मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ, कारोबार मेरा बहुत है, दुनिया के कई ममालिक में फैला हुआ मेरा बिजनेस है, मुझसे कुछ खताएं भी हुई, इंसान होने के नाते बहुत सारे मामलात हुए, तो मैंने सोचा उमरा कर लूँ। मैं आया, उमरा किया, मदीने शरीफ आया तो मैंने देखा कि यहाँ लोग मदीने के कुत्तों को रोटियाँ पेश करते हैं, उनके आगे चीज़ें रखते हैं, वो खा लेते हैं। मैंने भी काफ़ी सारी रोटियाँ ख़रीदी और ले जाकर मैंने उनको पेश की, लेकिन जितने कुत्ते थे वो आते, मुझे देखते, रोटी को सूंघते, वापस चले जाते, किसी ने भी मेरी ये रोटियाँ कबूल नहीं की, किसी ने भी मेरा ये हदिया कबूल नहीं। मैं क्या करूँ पीर साईं, मुझे तो आज एहसास हुआ कि जो कमाई मैं करता रहा, मैं सोचता था कि मैं वहाँ जैसे बांट देता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत यहाँ भी चल जाएगा, लेकिन चल नहीं रहा। पीर साईं मैं तो बर्बाद हो गया। अगर मदीने शरीफ के अलावा मैं कहीं होता तो मेरे जहन में ये ख्याल आता कि चलो मैं मदीने शरीफ आके माफ़ी मांग लूँगा, मदीने वाले से माफ़ी मांग लूँगा। बाबा मैं तो खुद मदीने में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? नहीं, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ? पीर साईं फरमाते हैं कि मैंने उसे तसल्ली दी और मैंने कहा कि तुम तो हुजूर के उम्मती हो, मायूस क्यों होते हो? एक काम करो, दोबारा रोटियाँ लो और जाकर गुंबद खजरा के सामने बैठ जाओ, जालियों के रूबरू जाकर सहन में बैठ जाओ और हुजूर से अर्ज़ करो कि हुजूर इस फ़कीर को कबूल कर लें, हुजूर ये कबूल कर लें, या मुझे बताएं कोई दर ऐसा कि जहां मैं चला जाऊं। हुजूर कबूल करें, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नज़र की है? बद हैं तो आपके हैं, भले हैं तो आपके, टुकड़ों से तो यहीं के पलें, रुख किधर करें? और हुजूर मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है? हुजूर आप ही हैं, बस करम कर दें। उस वक्त तक बैठे रहना, उस वक्त तक इल्तजा करते रहना, उस वक्त तक इस्तगासा पेश करते रहना जब तक दिल गवाही न दे कि बात मंजूर हो गई। पीर साईं फरमाते हैं कि मैं उसको समझा कर चला गया। रात को मैं फिर जब बाहर निकला वापस तो मैंने देखा वही शख्स खड़ा हुआ है, झूम रहा है, मुझे पकड़ा, ले गया, साईं आज मेरी तरफ से आपकी दावत। भाई क्या हुआ? साईं कमाल हो गया, मैंने वो रोटियां ख़रीदी, मवाजे शरीफ के पास जाकर बैठा और जैसे आपने बताया उसी तरह अर्जियां पेश करता रहा, रोता रहा, जब मेरे दिल ने गवाही दी कि बात पूरी हो गई तो मैं उठा कि जाकर ये रोटियां मदीने के कुत्तों के आगे पेश करूं। फरमाते हैं कि मैं क्या जाता, वो सारे मेरे पीछे चल रहे थे। ओ भाई मेरी चीज़ कबूल हो गई, मैं तो खुश हूँ। ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो समझते हैं कि हम लंगर खिलाते हैं तो अपनी तरफ से खिलाते हैं। अरे भाई अल्लाह का एहसान है तुम पर कि तुम्हें ये तौफीक बख्शी, तुम्हारा दिया हुआ माल कबूल हो जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह जिसे चाहे चुन लेता है, जिसे चाहे जिस काम पे लगा दे। अगर तुम्हारा दिया हुआ हदिया कबूल हो जाता है तो अपनी खुश नसीबी पे नाज किया करो, मज़ीद मेहनत किया करो इस राह में, मज़ीद कोशिश किया करो। क्यों? क्योंकि जो तेरे दर से यार फिरते, दर बदर यूं ही ख्वार।